हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हमारा सबसे पहला न्यूज है अंकुश फ्री फायर के बारे में। तो कुछ हफ्तों पहले मैंने एक न्यूज कवर किया था कि अंकुश दिल्ली, मुंबई या फिर चंडीगढ़ में शिफ्ट करने वाला है। तो कल फाइनली वो शिफ्ट कर चुका है चंडीगढ़ में। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने कल इंस्टाग्राम में ये स्टोरी पोस्ट किए थे। गाइस, बढ़ते अगले न्यूज़ की तरफ। हम बात करने वाले टू साइड गेमर्स के बारे में। तो फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत सारे यूट्यूबर्स ग्रो करने के लिए गिवेज का सहारा लेते हैं और आलोक डायमंड्स वगैरह गिवे करके वो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं। तो उन्हीं सब क्रिएटर्स को ऋतिक भाई का लाइव स्ट्रीम में काइंड ऑफ ट्रोल कर रहे थे। तो स्ट्रीम का छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अपना ही 16 मिलियन होएगा भाई। नहीं, अभी अभी अपन रोनाल्डो गिवअवे करेगा। देख गाइस, नंबर गेम नहीं, अपन कंटेंट गेम खेलेंगे, ठीक है? नंबर तो क्या है भाई? नंबर तो हाथ का मेल है। ऐसे 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 फ्री गिव अवे करके नंबर बढ़ा दूंगा, बट नहीं बढ़ाना है। गाइस, अपन कंटेंट बनाएंगे, नंबर तो क्या ही भाई। आज मैं मेरा अकाउंट गिव अवे कर दूं भाई, अभी 10 मिलियन पहुंच जाऊंगा भाई। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हम बात करने वाले बॉस ऑफिशियल के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था कि रिसेंटली फ्री फायर में ग्लिचेस का यूज करके कुछ लोग स्पाइडरमैन, सुपरमैन और मार्समैनो जैसे बंडल्स यूज कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग बॉस ऑफिशियल के साथ गारेना का एक मॉड की बात हुई थी और उनका एक मैसेज उन्होंने शेयर किया था। गाइज, प्लीज डू नॉट प्रमोट मॉडिफाइड गेम क्लाइंट वीडियोज व्हेयर पीपल आर यूजिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। सच एक्टिविटीज विल लीड टू परमानेंट आईडी बैन। और फिर यस भाई इसके ऊपर लिखे थे, सो एवरीवन, देखो भैया, ऐसा है कि वो जो आजकल चल रहा है YouTube पे स्पाइडरमैन, बैटमैन, मार्समैलो, कुत्ता, बिल्ली, ये सबसे परमानेंट आईडी बैन होगा। तो प्लीज डोंट यूज दिस मॉडिफाइड आईडी, नहीं तो फिर आप लोग आके बोलते हो कि बिना रीजन आईडी बैन हो गई। तो यस गाइज, आप में से भी कोई इन ग्लिचेस का यूज मत करना वरना आपकी भी आईडी बैन हो जाएगी। गाइस, बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। हम बात करने वाले नूब गेमर बीबीएफ और सीआरएक्स रॉकी की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में डिटेल से सब कुछ कवर किया था और उसके बाद रॉकी भाई कल एक और वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, जहाँ पे उनका बेसिकली ये कहना था कि वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कभी भी बीबीएफ को टारगेट नहीं करते। वो बस स्पैमर्स को बोलते हैं और स्पैमर्स बीबीएफ का नाम लेते हैं, इसीलिए सभी को ये लगता है कि वो बीबीएफ को बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीबीएफ कुछ भी बोलते हैं तो वो आपसे रिएक्ट नहीं करेंगे और अब से वो स्ट्रीम पे कोई कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कमेंट्स पढ़ के वो अक्सर हाइपर हो जाते हैं। और इसके बाद बीबीएफ एक मीम रिव्यू वीडियो अपलोड किए थे जहाँ पे एक मीम रॉकी के ऊपर था, वहाँ पे उन्होंने रॉकी को पोक किया था। और इसके बाद रॉकी भाई इंस्टाग्राम में एक स्टोरी पोस्ट किए थे, तुम तुम्हारी एटीट्यूड तुम्हारे पास रखो, आई टॉक मैच्योरली, यू शोड योर क्लास, हैशटैग योर बिहेवियर शोज योर नेचर, बाय नूब गेमर बिहेवियर। सो यस, इस टॉपिक के ऊपर आप क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है कौन सही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइज, बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ। हम बात करने वाले देसी गेमर्स और स्पैमर्स के बारे में। गाइज, आप लोग देखे होंगे कि लगभग हर लाइव स्ट्रीम में कुछ स्पैमर्स होते हैं और उन स्पैमर्स के साथ क्रिएटर्स कैसे डील करता है, यही डिसाइड करती है कि वो क्रिएटर कितना मैच्योर है। कुछ क्रिएटर्स इससे गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे कि बाद में उन्हीं को तकलीफ होती है, जैसे कि रिसेंटली रॉकी भाई के साथ और काफी पहले एक बार ज्ञान भाई के साथ भी हुआ था। ऐसे ही कल अमित भाई के स्ट्रीम पे भी अचानक लैग और नो साउंड स्पैम हो रहा था। तो अमित भाई इस सिचुएशन के साथ कैसे फनी वे में डील किए थे, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। भाई, नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड, भाई नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड, मेरे ओबीएस के डंडे हिल रहे हैं, साउंड आ रहा है। भाई हम आगे निकल चुके उस चीजों से, गाइस हम आगे निकल चुके, जो चीजें हो रही है हमने करके छोड़ दी, हमने कर लिया हम सब, हम उसमें ग्रेजुएट हो चुके। तो गाइस, तुम लोग मेरे मजे मत लो, ठीक है? बट यार लिखो लिखो गाइस, सब लोग नो साउंड लिखो, ठीक है? लैग, नो साउंड, इंटरनेट गया, वाईफाई बंद हो गया, ये सब लिखते रहो, क्योंकि क्या होता है तुम सब कमेंट करोगे, मेरा चैट रेट बढ़ेगा, रिस्पांस रेट बढ़ेगा, वॉच टाइम मिलेगा, दिन भर करो। गाइस, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।